जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी के लिए हम फिर से एक नई गाइडलाइन की वीडियो लेकर आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, शाइन बोर्ड ने अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है। क्या क्या उस गाइडलाइन में है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले। सबसे पहले माता रानी की यात्रा 16 अगस्त से ही खुल चुकी है। जिन भक्तों के मन में अभी ये डाउट है, उनको मैं फिर से बता दूँ कि माता रानी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है गाइडलाइन में, वो पहला चेंज ये है कि पहले जो श्रद्धालु की संख्या रखी गई थी जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से, वो पहले 100 रखी गई, फिर 250 किया गया, और अब जो है श्रद्धालु की संख्या 500 कर दी गई है। मतलब एक दिन में जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से जो श्रद्धालु आएंगे उनकी संख्या 500 रहने वाली है। बात करते हैं दूसरे बड़े चेंज की, तो मैं आपको बता दूं कि अब आप SSV पूजन का बुकिंग भी घर बैठे करा सकते हैं। हाँ दोस्तों, श्रद्धा सुमन पूजा जो होता है उसकी बुकिंग भी चालू कर दी गई है शाइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जाकर वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी अपडेट की। हाँ दोस्तों, शाइन बोर्ड द्वारा एक नई SOP लाया गया और उसमें ये बताया गया है कि जो भी भवन पर, अर्थकुआरी पर, कटरा पर और जो भी जम्मू में शाइन बोर्ड द्वारा जो रूम थे, जो रूम बुकिंग सर्विस थी, उसको फिलहाल ऑनलाइन ओपन कर दिया गया है। आप घर बैठे माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर जाकर वहां से रूम बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको भवन में रूम मिल जाएगा, अर्थकुआरी में रूम मिल जाएगा, कटरा में रूम मिल जाएगा और साथ ही साथ जम्मू में भी रूम मिल जाएगा, जो कि शाइन बोर्ड द्वारा रूम की सर्विस दी जाती है। ऐसे में बहुत बड़ा राहत मिला है उन श्रद्धालुओं को जो कि जाते थे, रूम में रुकते थे और फिर अगले दिन माता रानी की यात्रा करके नीचे आते थे। बहुत सारे श्रद्धालु को इस समय यात्रा के टाइम बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनको उसी दिन जाना होता था, उसी दिन वापस आना होता था, कहीं पर भी कोई रुकने का सर्विस नहीं दिया जाता था। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने यह बहुत ही बड़ा अहम फैसला लिया है कि आप सभी के लिए जो भवन पर, अर्थकुआरी या फिर कटरा या फिर जम्मू में जो भी उनके रूम्स हैं, उनकी बुकिंग चालू कर दी गई है। तो ये सारा कुछ आप जाके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि श्राइन बोर्ड द्वारा कई सारे चेंजेस इस तरह के किए जा रहे हैं और इन चीजों को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो हम आपको पूरी तरीके से बता दें। अब बात करते हैं कोई और चेंजेस की, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि और किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस श्राइन बोर्ड के गाइडलाइन में नहीं की गई है। जो उनकी पुरानी गाइडलाइन थी, पुरानी SOP थी, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। पहला चीज कि आपको कोविड का टेस्ट घर से करा कराना है, यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेनी है और साथ ही साथ आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी व्यक्ति यात्रा पर आ रहे हैं उनकी एज 60 साल से ऊपर ना हो और 10 साल से नीचे ना हो। और उसके बाद आपको यात्रा के दौरान हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, ये सब सारा चीज़ों का इस्तेमाल करना है। थर्मल स्कैनिंग भी उनकी उसी तरह होगी, सब कुछ उसी प्रकार का होगा। तो सिर्फ ये छोटी सी चेंजेस थी जो कि मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि भविष्य में आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी माता वैष्णो देवी से रिलेटेड इस चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। Oh, shit.